है एवरीवन, एक न्यूज़ है जो कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि यूजीसी इस तरह के प्रपोजल पे काम कर रहा है कि जहां पर आपके जेईई नीट के एग्ज़ामों को सीयूईटी में ही मर्ज कर दिया जाएगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो यूजीसी के चेयरमैन हैं मिस्टर जगदीश कुमार, उनका कहना है कि लगभग 43 लाख स्टूडेंट हर ईयर नीट जेईई एंड सीयूईटी में अपीयर होते हैं, और देखा जाए तो हर बच्चे यही मिनिमम दो पेपर तो देते ही हैं। मतलब बार बार वो बच्चा अपीयर हो रहा है सेम पेपर के लिए। इसलिए वो लोग ऐसे एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा एक ही बार में एक एंट्रेंस लिया जाए, और उसके लिए जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसके स्कोर के अकॉर्डिंग उसे कॉलेज में एंट्री दे दी जाए। जैसे अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसके PCM के मार्क्स देख लिए जाएँ, मेडिकल में जाना चाहते हैं तो PCB के मार्क्स देख लिए जाएँ, और अगर दोनों में ही नहीं हुआ या नहीं जाना चाहता हो तो CET में और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये एक स्टूडेंट का हेल्प हो सकता है स्टूडेंट के लिए, उससे स्ट्रेस ना हो बार बार एंट्रेंस अटेम्प्ट करने का। पर हम लोग ने देखा है, देख ही चुका है कि जो NTA है वो क्या तांडव किया है, चाहे वो JEE का पेपर हो या NEET का पेपर हो। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, पर बहुत सारे क्वेश्चंस के हैं जिनके आंसर अभी उलझे हुए हैं। जैसे कि क्या बोर्ड्स के मार्क्स भी इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्या JEE एडवांस जो कि IIT के लिए एंट्रेंस है उसका अलग से एग्ज़ाम होगा। ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते हैं होता क्या है। धन्यवाद।